पर अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मतलब 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं तो बिना भूले सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन जी नहीं मिलेगा। सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आत्मविश्वास आ चुका है उनके चैनल पर, एंड उस सॉन्ग में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी तक उस सॉन्ग में हो चुका है 6.2 मिलियन व्यूज एंड 1.2 मिलियन लाइक्स अभी तक हो चुका है। 20 आवर्स हो चुके हैं अभी, एंड ऑफकोर्स रियल टाइम जो व्यूज होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है। उसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए अमित भड़ाना एक स्टोरी पोस्ट किया जहां पर वो लिखे 2 मिलियन व्यूज, 100K कॉमेंट्स एक घंटे में, फायर, अभी शुरुआत है, अगले 24 घंटे में रिकॉर्ड हिला देनी है। फिर आप देख सकते हो एक स्क्रीन शॉट शेयर किया उनके यूट्यूब स्टूडियो का, जहां पर आप देख सकते हो 6 घंटे में 4 मिलियन व्यूज हो चुके थे, एंड वो लिखे 6 घंटे में, अभी पूरी रात और दिन पड़ी है। सो ऐसे आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वो सॉन्ग। और जहां पर अच्छा रिस्पॉन्स का बात हो रहा था, आपको बता दूं आशीष चंचलानी जो वीडियो अपलोड किए थे, न्यू वीडियो, उस वीडियो में जो है 4 दिन के अंदर अंदर 20 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो एक स्टोरी पोस्ट किए थे, एंड ये वीडियो भी उनका काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू हिज अदर वीडियो। और यहाँ पर आशीष चंचलानी का बात होगा तो आशीष चंचलानी जो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो, जहां पर वो लिखे कैन यू गेस हु दैट इज होल्डिंग माई बेली टेलिंग मी टू लूज सम वेट। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, बेसिकली वो गेस करने के लिए कहे कि वो कौन है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया कि वो शाहरुख खान है, एंड उसके बाद जो है आशीष चंचलानी एक स्टोरी पोस्ट किया जहां पर वो लिखे येप यू ऑल गेस्ट राइट। अभी शायद कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कॉलैब आ सकता है, फिर कुछ ऐसा हमें देखने को मिले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है फोटो थोड़ा सा पुराना फोटो है, ओल्ड फोटो है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर आशीष चंचलानी का जो है अभी बियर्ड नहीं है यहाँ पर, एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा मोटा भी दिख रहा है, एंड अभी उनका बियर्ड आके रखा है, तो मुझे लगता है कि ये पुराना फोटो है। आई डोंट नो, इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स अगर मुझे मिलता है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, किसके बारे में मैं भूल गया, श्वेता के बारे में। तो श्वेता नहीं जानते आप, नहीं जानते तो मैं हूं ना बताने के लिए यार, ये बहुत ही ज्यादा फनी है, एंड आई एम श्योर ये विनोद से भी ज्यादा वायरल होने वाली है ये श्वेता। तो आपको बता दो श्वेता कौन है, ये अभी तक किसी को नहीं पता वो कैसी दिखती है, कैसी है, कहां से, वो किसी को नहीं पता। लेकिन ये श्वेता वायरल कैसे हुई, तो बेसिकली श्वेता एंड कुछ लोग जो है जूम पर मीटिंग कर रहे थे, कुछ लोग मतलब 100 से ज्यादा लोग मीटिंग कर रहे थे, एंड श्वेता भी उस मीटिंग में थी, एंड वो जो है क्या की वो मीटिंग छोड़कर किसी दूसरे बंदे या फिर बंदी से बात करने लगी, बट वो जो जूम मीटिंग अटेंड कर रही थी उसको म्यूट करना ही भूल गई, एंड वो जो बातें कर रही थी वो थोड़ा सा पर्सनल था, अलग लेवल की बातें थी, एंड वो सारा कुछ है वो 100 लोगों ने सुन लिया, एंड कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया एंड उसको वायरल कर दिया, एंड ऐसे हो गई श्वेता वायरल। अब मैं वो वीडियो क्लिप तो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो मैं किसी एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। कि मतलब वो बंदी के पीछे में इतना पागल था कि मतलब ये था कि वो सेक्स एडिक्टेड थी लड़की, तो कह रहा था कि सेम ऐसी हुआ था उसके साथ, लेकिन लड़के के साथ, सोच श्वेता भाई, मतलब ये था कि कह रहा था कि वो बंदी में सेक्स एडिक्ट थी, ऐसा कर दिया था, कह रहा कि वो होता है ना कि मतलब वो जैसे कहते ना अट्रैक्शन जी, बिल्कुल फीलिंग वाले, तो समझ रही है तुम, मतलब कैसे बताऊं मैं तेरे को। अब यहाँ पर श्वेता के ऊपर आशीष चंचलानी रिएक्ट किए, वो एक ट्वीट किए जहाँ पर वो लिखे अब ये श्वेता कौन है भाई, कोई समझाएगा। फिर इसके ऊपर ज्ञानी रिप्लाई दिए, वो लिखे देवी औरत है, क्या कहानी सुनाती, वाह वाह। फिर लक्ष्य चौधरी भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए जहाँ पर लिखा हुआ है श्वेता योर माइक इज ऑन श्वेता। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो यशराज मुखाते को जाके बोलने लगे कि भाई श्वेता के ऊपर भी कुछ हो जाए, मतलब कि कुछ श्वेता के ऊपर भी गाना बना दो, एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए यशराज मुखाते एक स्टोरी पोस्ट किया, आप देखिए वो क्या कहे। नो नो, श्वेता पे कोई वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतने लोगों ने डीएम कर दिया। हाय श्वेता, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, एक यहाँ पे एक ये माइक जैसा लोगो होगा, इसको बस एक बार क्लिक करना है ऐसे बस। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हेल्पिंग गेमर के बारे में। तो इनके चैनल पर आप देख सकते हो 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर ये बताया कि उनको जो है एक वार्निंग दिया गया टोटल गेमिंग की तरफ से कि मतलब तुम ये वीडियो हटाओ नहीं तो फिर तुम्हें स्ट्राइक दे दिया जाएगा। बट आपको बता दूं वो टोटल गेमिंग रियल वाले टोटल गेमिंग नहीं, फेक वाले टोटल गेमिंग ने वो वार्निंग दिया है। वो बताया कि वो फेक वाले टोटल गेमिंग ने जो है उनको 7 दिन का टाइम दिया कि अगर तुमने वो वीडियो 7 दिन के अंदर अंदर नहीं हटाया तो तुम्हें जो स्ट्राइक मिलेगा एक। एंड इसके बाद हेल्पिंग गेमर
पता है कि अगर ये एक स्ट्राइक मार सकता है तो और भी स्ट्राइक दे सकता है, मेरा चैनल ही उड़ा सकता है। ऑल्सो वो बताया कि रिसेंटली उनका चैनल जो है बीच में थोड़ा सा डेड हो गया था, मतलब व्यूज वगैरह उतने अच्छे से नहीं आ रहे थे, एंड बाद में जो उन्होंने बहुत मेहनत से उनका चैनल को फिर से अच्छा खासा ग्रो किया, रीच वगैरह अच्छा आने लगा, एंड फिर ये हो गया। काफी ज्यादा सैड थे अपने वीडियो में। तो अगर आप लोगों को हेल्पिंग गेमर का वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो बीस्ट बॉय शुभ ने जो है उनके चैनल से जो स्पैमर्स होते हैं जो स्पैम करते हैं हिट लाइक फॉर देम, हिट लाइक फॉर हिम, या फिर तुम इसको लाइक करो तुम्हारे माँ बाप जो है लंबी उम्र जिएंगे, इस तरीके के कमेंट्स को जो है बैन करके रख दिया है, मतलब स्पैमर्स को। उसके बारे में बताते हुए बीस्ट बॉय शुभ एक ट्वीट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई एक इतना बड़ा यूट्यूबर जो है स्पैमर्स को ब्लॉक कर रहा है, मतलब कि बैन कर दे रहा है उनके कमेंट सेक्शन से। क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं कि स्पैम मत करो लेकिन बैन नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक मिथ है या फिर क्या पता नहीं, लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो रीच बढ़ जाता है, ऐसा मैं भी सोचता हूँ इसलिए मैं भी बैन नहीं करता, लेकिन हाँ अगर कुछ ज़्यादा होने लग जाए तो फिर बैन करना पड़ेगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुंबई कर निखिल के बारे में। तो मुंबई कर निखिल कल जो व्लॉग अपलोड किए थे उनके चैनल पर, वहाँ पर वो रिएक्ट किए उन लोगों के ऊपर जो लोग जो है यूट्यूबर्स लोगों का नंबर्स वगैरह निकालते हैं कहीं से एंड बात करने का कोशिश करते हैं, मतलब यूट्यूबर्स लोगों का नंबर वो कहीं ना कहीं से खोजने का कोशिश करते हैं बेसिकली बात करने के लिए, तो उन लोगों के ऊपर रिएक्ट किया। आप खुद देखिए मुंबई कर निखिल क्या कहे। आपने देखा कि लास्ट व्लॉग में हम लोग सैंडल खरीदने गए थे, तो आज सुबह हैप्पी भाई के रूम में फोन आया, बोला कि अच्छा मैं सैंडल वाला बोल रहा हूँ, सैंडल भिजवाना है तो लैंडलाइन पे आया, मुझे पता था लैंडलाइन पे आएगा, तो निखिल शानस का नंबर दो। हैप्पी भाई ने बोला भाई वो मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा, नहीं सर इमरजेंसी का आज नहीं भेजा तो अब तो कल जा रहे हो तो फिर सैंडल भेज नहीं पाऊंगा। तो मैंने हैप्पी भाई को बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने और शानिज ने उसको नाम ही नहीं बताया था हम लोग का, सिर्फ इनका नाम बताया था, वो भी हैप्पी नहीं बताया था, हरप्रीत बताया था, तो इनको हैप्पी कैसे बोलेंगे, मुझे निखिल शानिज कैसे बोलेंगे, क्या भाई नंबर निकालने के लिए क्या करते हो। देखो भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को यूट्यूबर का नंबर लेने में एक थ्रिल रहता है, कॉल करने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है सब करके, इस तरह की हरकत करके तो बिल्कुल भी मतलब नहीं, जब किसी को नंबर देना हो तो समझ से दे देगा, इस तरह जुगाड़ करके नंबर निकल क्या मिलेगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, SR एडिटिंग जोन के बारे में। तो इनके चैनल पर जो है 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका चैनल जो है रिसेंटली डिलीट हो गया यूट्यूब से। बेसिकली इनको जो 25 कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है एडोब ने। एडोब आपको पता होगा बहुत बड़ी कंपनी है, एंड SR एडिटिंग जोन इसी के बारे में बताते हुए अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जहां पर वो बताया कि उनको जो है स्ट्राइक पड़ा ऐसा, एंड वो बताया कि उनके ही गलती से उनको स्ट्राइक पड़ा, जिसके वजह से एडोब जो है वो शायद से वो स्ट्राइक को नहीं हटाने वाली। जैसे कि आप सबको पता है अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाता है तो चैनल डिलीट हो जाता है, तो उनको तो जो है 25 कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो उनका जो है चैनल डिलीट हो जाएगा, एंड वो बोले कि उनको जो है उनके सेकंड चैनल पर सपोर्ट करें। सो यस, अगर आप लोगों को उनका वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल गुरुजी के बारे में। टेक्निकल गुरुजी नहीं, बेसिकली टेक्निकल गुरुजी वर्सेस टोटल गेमिंग के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि टोटल गेमिंग जो है बहुत जल्द क्रॉस करने वाला है टेक्निकल गुरुजी को इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो यस टोटल गेमिंग ने जो है क्रॉस कर दिया टेक्निकल गुरुजी को अभी, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी के साथ टोटल गेमिंग बन गए हैं 4th मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल यूट्यूबर ऑफ इंडिया, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग। सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू टोटल गेमिंग। ऑल्सो यहां पर टेक्निकल गुरुजी का बात हो ही रहा था, आपको पता होगा इनका एक सेकंड चैनल भी है गौरव चौधरी, जिसमें आप देख सकते हो 4.6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये बेसिकली इंडिया का नंबर 1 व्लॉगिंग चैनल था, बट रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट का चैनल ने क्रॉस कर दिया गौरव चौधरी का चैनल को एंड बन गए मोस्ट सब्सक्राइब्ड व्लॉगिंग चैनल ऑफ इंडिया। कुछ टाइम पहले भी फ्लाइंग बीस्ट ने जो है गौरव चौधरी को क्रॉस किया था, फिर बाद में गौरव चौधरी ने फिर से फ्लाइंग बीस्ट को क्रॉस कर दिया था, बट अभी फिर से फ्लाइंग बीस्ट ने जो है गौरव चौधरी को क्रॉस कर दिया है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, पायल जोन एंड टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा पायल जोन जो है बहुत सारा वीडियोस बना चुकी है टेक्नो गेमर्स के अगेंस्ट में, मतलब कि बहुत सारा वीडियोस तो वो बना चुकी है लेकिन बहुत ही गलत थंबनेल्स यूज करके जो है पायल जोन ने टेक्नो गेमर्स के ऊपर वीडियो बनाया है, पर इस चीज के ऊपर टेक्नो गेमर्स कभी रिएक्ट नहीं किए थे, लेकिन रिसेंटली जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वो इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए। आप खुद देखिए वो क्या कहे। पायल जोन को देखो और स्ट्राइक अभी देखो प्लीज। अरे भाई 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 ना ना यार, स्ट्राइक वैसे किसी को देने, बहुत सारे ऐसे बंदे बैठे हैं भाई जो मतलब क्या ही बोले, इनको इग्नोर मारो भाई, टाइम पास है, ये व्यू कमाने के लिए बंदे कुछ भी करते रहते हैं आज के टाइम पे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अपने काम पे फोकस करता हूँ और आप लोग का प्यार लेता हूँ और आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, बस इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, फालतू चीज़ों को फुल इग्नोर, ठीक है।
अच्छा, पर पायल जोन का बात हो ही गया तो आपको बता दूं, रिसेंटली पायल जोन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जहां पर वो बेसिकली माफी मांगी है, वो अपना गलती को एक्सेप्ट किया एंड वो बताया कि वो अब से जो है उस टाइप का गलती नहीं करेगी, मतलब उस टाइप के वीडियोस नहीं बनाएगी। वो अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट की कि एक चांस दे उसको बोल के। सो अगर आप लोगों को पायल जोन का वो वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। एंड इसके बाद पायल जोन कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जहां पर वो अमित भड़ाना का सॉन्ग आत्मविश्वास के ऊपर रिएक्ट की है। एंड उस वीडियो में उसको थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप देख सकते हो लाइक्स एंड डिसलाइक्स रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके पहले के वीडियोस में ऐसा नहीं होता था। पहले के वीडियोस में जो डिसलाइक्स ज्यादा होते थे। सो यस, अगर आप लोगों को पायल जोन का ये वाला वीडियो भी देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जासूस गेमिंग के बारे में। तो इनके चैनल पर आप देख सकते हो 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। रिसेंटली इनका चैनल जो हैक हो गया था, उसी के बारे में बताते हुए वो एक लाइव स्ट्रीम भी किए थे कल अपने चैनल पर, देख सकते हो आप स्क्रीन पर। खैर, उनका चैनल हैक हो गया था, अभी उनको मिल चुका है चैनल, बट एक उनके चैनल पर पता नहीं ग्लिच हो गया रखा है, बहुत ही भयंकर वाला ग्लिच। देख सकते हो वो कुछ दिन पहले जो लाइव स्ट्रीम किए थे उनके चैनल पर, अगर आप उनके चैनल पर जाके उनके वीडियोस के सेक्शन में जाके देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा स्ट्रीम्ड 51 इयर्स एगो, मतलब 51 इयर्स एगो वो स्ट्रीम किए थे जब YouTube था ही नहीं। एंड ऐसा एक वीडियो के साथ नहीं हो रहा है, दो वीडियो के साथ हो रहा है। एंड मैं देख रहा हूँ दो तीन दिन से ऐसा ही होके रखा है, ये सिर्फ कुछ टाइम का ग्लिच नहीं है, दो तीन दिन से ऐसा ही चल रहा है। ऑल्सो कभी कभी दिखाता है स्ट्रीम्ड 19th January 2038, मतलब फ्यूचर में स्ट्रीम करके आ गए जासूस गेमिंग। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए जासूस गेमिंग अपने यूट्यूब पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, आप खुद देखिए वो क्या कहे। यार आगे से आपको कोई बोले ना कि सबसे पहली वीडियो कब आई थी और किसकी आई थी, तो सिर्फ और सिर्फ जासूस किंग की आई थी। देखो यार 51 ईयर्स को YouTube होने से पहले बुकिंग कर दी थी बहुत साल पहले। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, फन विद साइंस के बारे में। तो इनके चैनल पर आप देख सकते हो 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो ये 2 महीने पहले जो अपने चैनल पर एक एक्सपेरिमेंट वीडियो अपलोड किए थे, बेसिकली अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंटल वीडियोज ही अपलोड करते हैं, तो ऐसा ही सिमिलर टाइप का वीडियो जो है मिस्टर इंडियन हैकर कुछ दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड किए जे। एंड उसी को काइंड ऑफ पोक करते हुए फन विद साइंस अपने यूट्यूब पर एक पोस्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो, जहां पर वो उनका वीडियो का लिंक को शेयर किया एंड लिखे क्लिक क्या आपने देखा था। एंड इसके बाद मैं कॉमेंट्स वगैरह रीड कर रहा था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर फन विद साइंस ने जो है मिस्टर इंडियन हैकर को पोक किया है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आकांक्षा शर्मा के बारे में। तो जिनको नहीं पता आकांक्षा शर्मा कौन है तो आपको बता दूं, आकांक्षा शर्मा बेसिकली शिनचैन जो एक कार्टून कैरेक्टर था उसका जो आकांक्षा शर्मा वॉइस आर्टिस्ट है। तो ये अपने YouTube पर एक पोस्ट की थी जहां पर वो लिखी मिथपैट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी का राज जल्द ही खोलेंगे, क्या मैंने मिथपैट को स्ट्राइक दिया, स्टे ट्यून्ड। फिर वो एक पोल रखी जहां पर वो लिखी आपको क्या लगता है मिथपैट को स्ट्राइक दिया था। तो जिनको नहीं पता यहां पर आकांक्षा शर्मा किस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रही है तो उनको बता दूं, कुछ टाइम पहले मिथपैट जो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे कुछ टाइम पहले, मतलब 6 महीने पहले, जहां पर वो बताए थे कि उनको जो है किसी ने एक कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था बहुत टाइम पहले एंड उनको उस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा टेंशन होकर रखा था। बट आपको बता दूं मिथपैट जो है वो नहीं बताए थे कि उनको जो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है बोल के, वो ये वाला वीडियो अपलोड किए थे तब जब उनका स्ट्राइक हट चुका था। एंड उसमें जो मिथपैट नहीं बताए थे कि उनको जो कौन स्ट्राइक मारा था, उसे बस हिंट दिए थे। एंड जब उन्होंने हिंट दिया तो बहुत सारे लोग गेस करने लगे कि वो स्ट्राइक जो है आकांक्षा शर्मा ने दिया है, कैरे मिनाटी ने दिया है, बट ऐसा नहीं है। मिथपैट ऑलरेडी उस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दिए थे जहां पर आप देख सकते हो इट वाज नॉट बाय कैरे मिनाटी, इट वाज नॉट बाय आकांक्षा शर्मा। तो वही शायद जिन्होंने वो कमेंट नहीं देखा था मिथपैट का, तो वही शायद लोग बोल रहे होंगे कि आकांक्षा शर्मा तुमने स्ट्राइक दिया था मिथपैट को, तो वही यहां पर आकांक्षा शर्मा बता रही है। एंड ऑब्वियसली अगर आकांक्षा शर्मा वीडियो अपलोड भी करेगी तब भी वो बोलेंगे कि उन्होंने जो स्ट्राइक नहीं मारा है, क्योंकि ऑफकोर्स मिथपैट ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनको जो आकांक्षा शर्मा ने स्ट्राइक नहीं मारा है। सो ऐसे अभी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।